अभी अभी थाने में फोन किया अविनाश कि दरोगा जी अपनी फोर्स लेके काली पहाड़ी पे आ जाओ, सैनी डाकू एक गाड़ी विदेशी असलाह लेके आ रही, अगर वो असलाह अपने आदमी में बांट दिया तो पूरे अकबरपुर की बर्बादी हो जाएगी। ठीक है हम चलते हैं, पहले थाने फिर उसके बाद में अकबरपुर में फोर्स लेके पहुंचता हूं। पहुंचा है काली पहाड़ी पर, दारोगा छोड़ा विदेशी सलाह के चक्कर में पैदल कुत्ते से गिराया था, आला खाले दारोगा। काली पहाड़ी तो आ गया, ना यहां विदेशी असलाह की गाड़ी और ना तो सैनी डाकू, हम थोड़ा और आगे जंगल की ओर हिलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपको बदला हमारे भी करीब आ रहा है, यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग लो, नहीं तो डाकुओं के हाथ मारा जाओ। कितना दिन भागेगा, ये अपने दिन मेरे हाथ तो जरूर लगेगा। हराम खोर ये मैं क्या देख रही, ये तो वही दरोगा है जो मुझे गिरफ्तार करने आया था, ये तो काफी खून निकल रहा है। अब मैं क्या करूं, सबसे पहले इन्हें मैं अस्पताल ले जाती हूं, उसके बाद का पीछा करूंगी। काफी रात हो गई है, अस्पताल भी बंद हो गई है, मैं आवाज लगाती हूं, हो सकता है डॉक्टर साहब दरवाजा खोल दें। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, अरे ओ डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, अरे हे डॉक्टर दरवाजा खोल। अरे कौन हो भाई, जाओ जाओ सुबह 10 बजे आना, जब अस्पताल खुलेगी तब जाइए। अभी ए डॉक्टर एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर मेरा मरीज मर जाएगा ना, ये अस्पताल नहीं मैं शमशान घाट बना दूंगी। हाँ बना दूंगी। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाकू सैनी है। हराम खोर चबार क्यों लग रहा है, ये दरवाजा खोलता है कि नहीं? तुरंत खोले। Thank you.
अभी थोड़ी देर पहले डाकू शेरनी इंस्पेक्टर अनिल को भर्ती करके बाहर गई। इंस्पेक्टर साहब के बहुत ज्यादा चोट आ गई है, यदि अब दोबारा डाकू शेरनी आती है तो इंस्पेक्टर की तबीयत के बारे में उसको जानकारी देते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये बताइए इंस्पेक्टर की तबीयत कैसी है, कुछ शराब मिला या नहीं? इंस्पेक्टर अनिल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को इतना अधिक चोट आ गई है, उस चोट के कारण इंस्पेक्टर साहब के शरीर से इतना अधिक खून निकल चुका है कि बिना खून के उन्हें बचा पाना मुश्किल है। अगर 24 घंटे के अंदर खून नहीं मिल पाएगा तो हो सकता है इंस्पेक्टर अनिल अपना दम भी तोड़ सकता है। डॉक्टर साहब, जितना खून लगे आप मेरे जिस्म से निकाल लीजिए, लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर की जान बचा ले। इंस्पेक्टर अनिल की जान बचाने के लिए आप अपना खून दे रही हैं? जी हाँ। एक तरफ इंस्पेक्टर अनिल जो कि कानून का रखवाला, कानून का पुजारी, एक तरफ आप कहां डाकू शेरनी, अपराध करने वाली, कानून का उल्लंघन करने वाली। ये तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग हैं, तो फिर ये कैसे संभव हो रहा है कि एक डाकू और इंस्पेक्टर के लिए अपना खून दे? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर अनिल की मिली भगत से आपराधिक वारदातें करती हो? डॉक्टर साहब, तो बात क्या है, इंस्पेक्टर अनिल से आपका संबंध क्या है? कौन है इंस्पेक्टर अनिल जो कि आप उसकी जान बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं? सही सही बताओ, इंस्पेक्टर अनिल है कौन? कहा डॉक्टर साहब कि मैं डाकू अनिल के इंस्पेक्टर कहां से तालमेल हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब आज 200 साल पहले कहानी है, मेरे बड़े भैया थे जो कि मुझसे बचपन में बिछड़ गए थे और आज तक मेरे भैया मुझे मिले नहीं। यहां तक की बात है, मेरे भैया का नाम अनिल कुमार था और इंस्पेक्टर का नाम अनिल कुमार है। मेरे भैया की शकल इंस्पेक्टर की शकल एक जैसी लग रही है, तो मैं सोच रही हूं कहीं हमारे बड़े भैया अनिल तो नहीं है। मैं अपना बड़ा भाई समझकर अपना खून देना चाहती हूं, मेरी जिंदगी रहे या ना रहे मुझे कोई गम नहीं है डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर अनिल को आप अपना बचपन का पिछड़ा हुआ भाई समझ रही हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब का नाम अनिल कुमार है और आपके भैया का भी नाम अनिल कुमार था। इंस्पेक्टर की शकल आपके भैया की शकल एक जैसी है। ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो मैं आपका खून निकालने के पश्चात पूरी कोशिश करूंगा कि इंस्पेक्टर की जान बच जाए। बात है, अगर इंस्पेक्टर की जान बच जाएगी मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो डॉक्टर का कर्तव्य बनता है, उसका फर्ज बनता है कि अपने मरीज को जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से ठीक करने की कोशिश करे। चलिए आप बेड पर लेटिए, मैं तुरंत आपका खून निकाल रहा हूं। चलिए भगवान, मेरा देवर मुझसे बोला कि भाभी माँ अपनी जान मत गवाना, मैं बहुत जल्दी जेल से छूट करके आऊंगा, लेकिन अभी तक मेरा देवर नहीं आया। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं किसी के भी सामने जाती हूं तो अपना मुंह छुपा लेती हूं। जो भी मेरे बीच में जानता है वही मुझे देख करके हंसने लगता है, मुझे ताना मार देता है। आखिर ऐसी जिंदगी मैं कब तक के बिताऊंगी? अब तो लग रहा है मेरा देवर नहीं आएगा और मेरा भी इस दुनिया में जीना बेकार है। चल रही हूं, यहीं पर फांसी लगा लेती हूं, ना दुनिया में जिंदा रहूंगी ना तो किसी की बात सुनने को मिलेगी। जान गवाना चाहती है क्या तू? जमाने की सताई हुई है, तेरी रूपरेखा तो यही बताती है कि जैसे ससुराल से भगाई हुई है। बोल साफ साफ बात क्या है, क्या बोल रहा?
मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, आखिर मुझे मरने से क्यों बचा लिए? और मेरा तो सब कुछ लुट गया, इस दुनिया में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, आखिर मैं जी करके क्या करूंगी? लेकिन आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और मुझे मुझे मरने से बचा करके आपको क्या फायदा होगा? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं, मेरा नाम क्या है? तो मेरी बात सुनो, मैं तुझे बता रही हूं। सैनिक नाम से जानते हैं, मैं चंबल घाटी में अपना गुजर करती हूं, लेकिन तू कहां की रहने वाली है और तेरा नाम क्या है? तेरे परिवार में कौन कौन है, मुझे साफ साफ बता, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन हां, झूठ मत बोलना मेरे सामने। आपका नाम डाकू शेरली है? अगर मैं अपने विषय में बताऊं कि मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहां है, तो आप मेरी मदद करेंगे? जरूर। सरदार जी,
मैं आपसे जितनी बात बोलूंगी सच बोलूंगी, कोई बात आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा नाम आरती है, मेरा नाम आरती है, मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे, बाबूजी का नाम अमरपाल था। घर में मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम अनारकली था। मुझसे बड़े भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था। सबसे छोटी मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में पांच प्राणी का परिवार था, हम लोग हंसी खुशी अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। आज के 200 साल पहले की बात है, आज के 200 साल पहले प्रधानी का चुनाव आया। उसी प्रधानी के चुनाव में गांव वालों के कहने में आकर के मेरे बाबूजी प्रधानी लड़ गए। मेरे बाबूजी प्रधानी लड़ गए और माता शेरावाली का ऐसी आशीर्वाद, गांव वालों का इतना अच्छा सहयोग कि मेरे बाबूजी प्रधानी जीत गए। प्रधानी जीत गए और प्रधानी के चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन बाद दीपावली का त्योहार भी आ गया। वही दीपावली का त्योहार हम परिवार में बड़ी खुशियों से मना रहे थे। जब आधी रात का समय बीता, एक आदमी आया गाड़ी से, मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी किया और खड़ी करने के बाद गाड़ी से नीचे उतरा और सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया। मेरे ही घर में घुस करके, मेरे ही घर में घुस करके मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर भैया नील बहन अंजलि दौड़ करके आए। वो हरामखोर देख गया, न जाने कैसी नशीली दवा लिया था, बेहोश कर दिया सुंघा करके और अपने कंधों पे लाद करके ले गया, अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। मैं ये सब नजारा छुप करके देख रही थी। मैं सोची कि अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो जैसे मेरे माँ बाप को मार डाला, जैसे मेरे भाई बहन को उठा ले गया, अगर मुझे देख लेगा तो मुझे भी जान से मार देगा। मैं डर के मारे अपना गांव छोड़ करके चली गई और जा रही हूं सारी रास्ता यही सोच रहे कि भगवान मेरे गांव का एक भी आदमी ये नहीं समझ पाया कि ये बंदूक की गोली की आवाज है कि ये पटाखे की आवाज है। मेरी माँ मेरे बाबूजी घर में तड़प तड़प के अपनी जान दे दिए। मैं अपने भाई बहन को खोजने लगी लेकिन मेरे भैया अनिल मेरी बहन अंजलि का अब तक कोई पता नहीं चला। मैं बची अकेली दर बदर की ठोकरे खाने लगी, लोगों के सामने अपना दामन फैला करके भीख मांगने लगी, लेकिन ये पापी संसार ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझे बहुत सता रहे, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे बहुत सताया जा रहा है। मैं उब गई हूं ऐसी अपनी जिंदगी से, इसीलिए मैंने आज मरने का फैसला कर लिया। सरदार जी, मैंने अपनी सारी कहानी बता दिया, आपने सुन लिया, अब फैसला आपके हाथ में, अब आप चाहे मेरी मदद करो, चाहे उठो बंदूक मुझे गोली।